आपने दिनेश पंथी की किताब पढ़ी है? क्या लिखते हैं, छोटे छोटे शहरों में ना बड़े बड़े कत्ल करा देते हैं, पता ही नहीं चलता। तो बताओ मैडम, क्यों मर्डर किया आपने अपने पति का? पहली बार लड़की देखने गई, कोई पैर में पड़ता है क्या? बहू अपने हाथ से पकौड़े बना दे। पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे। बायोडेटा में लिखा था कि तुम सर्वगुण संपन्न हो। बायोडेटा में आपने भी लिखा था आपका बेटा 5 फुट 10 इंच का है। इंची टेप पे ना 5 फुट 8 इंच ना टापे ये लड़का। वैसे कैसा लड़का चाहिए था आपको रानी जी? जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर हो, डैशिंग हो, नॉटी हो, कभी कभी चुन ले। कैसे संबंध है आपके नित्य पार्टी के साथ? शारीरिक संबंध तो मानसिक होते हैं, शारीरिक तो संभोग होता है। कांच की लवर फरार है और मैडम घुमा रही है। एक बार कुछ लीड हाथ आ जाए इसको तो जेल में सड़ा डालूंगा मैं। सर डायन आशिक के साथ मिलके हजम कर गई मेरे दोस्त। उड़ा दिया उसके। हर कहानी के ना बहुत पहलू होते हैं, फर्क बस ये होता है कि कहानी सुना पा रहा है। मेरा मन करता है कि तुम्हारा गला घूंट दूं। पंडित जी अपनी किताब में लिखते हैं, अमर प्रेम वही है जिसपे खून के हल्के हल्के से छींटे हो ताकि उसे बुरी नजर ना लगे। जोरदार जोरदार। पहले तो इस दिनेश पंडित को घसीट के लाओ थाने में। जी सर। पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यारी कैसा।